नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है का। हरियाणा के 7 जिलों के किसान परेशान हैं, सख्ते में हैं। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन जिलों में बीमा करने वाली कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्लस्टर 2 के 7 जिलों में बीमा कंपनी ने फसलों का बीमा करने से मना कर दिया है। इसके बाद अब हरियाणा सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों की फसलों का बीमा इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी, उसका बीमा राज्य सरकार करेगी। क्लस्टर 2 के 7 जिले, जिसमें अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत शामिल हैं, इन जिलों में बीमा कंपनी ने फसलों का बीमा करने से इनकार कर दिया है, जबकि किसानों की ओर से प्रीमियम राशि भरी जा चुकी है। हरियाणा की बीमा कंपनियों के लिए 3 क्लस्टर बने हुए हैं। उसमें क्लस्टर 1 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है, 2 को भी उसने अलॉट किया था, लेकिन वहाँ पर कोर्ट की वजह से जो है वो उसको उसने काम करने से मना कर दिया। बीमा किसानों ने कटवा रखा है। 3 क्लस्टर में कोई और कंपनी आ गई है, और अगर वहाँ कंपनी काम नहीं करेगी तो हम अपने विभाग के द्वारा किसानों की उसी राशि का बीमा खुद करेंगे। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी बीमा करती है तो ठीक है, कंपनी बीमा नहीं करती तो हमारा विभाग जो है उसका बीमा करेगा। प्रीमियम तो वही रहेगा, बीमा की परसेंटेज होती है। ये फैसला हमने मीटिंग की थी, ये फैसला हमने कर दिया है कि कंपनी नहीं होगी तो विभाग हमारा जो है उसका बीमा करेगा किसानों का। हम किसान हित में फैसला लेने में देरी नहीं करते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में तो वो तो एक प्राइवेट कंपनी मुनाफा का कमा रहे थे। ये बीमा जो है सरकारी कंपनी से होनी चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जैसे LIC और रोटेटरी फंड रखे। हमने रायपुर में कांग्रेस का प्रस्ताव पास किया है, कांग्रेस सरकार बनेगी तो जो है फसल बीमा जो है वो नेशनलाइज कंपनियां करें।